मतलब ट्रैफिक लेना चाहते हो आप लोग की साइट के अंदर से ना, तो आप लोग खुद की चीज़ें, खुद की प्रोडक्ट को। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फ्लेम बेस्ट। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग फ्री में गूगल साइट के अंदर कैसे आप लोग एक साइट क्रिएट कर सकते हो। गाइज, गूगल साइट क्या है और क्यों आप लोग उसके अंदर साइट बनाओगे और कैसे उसके अंदर आप लोग कस्टम डोमेन को ऐड करोगे, सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते रहते हैं। गूगल साइट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से आप लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। तो गाइज, कैसे आप लोग फ्री में ट्रैफिक गेन कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रैफिक आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि गूगल साइट गूगल की ही प्रोडक्ट है। तो इसीलिए आप लोग जो भी पोस्ट वगैरह लिखोगी, जो भी साइट वगैरह बनाओगे ना, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रैंक भी करेगा और बहुत कम समय में भी ये रैंक करेगा। ओके, तो ये पहले क्या होता था कि गूगल साइट पहले तो बहुत अच्छी तरह से रैंक भी हो जाता था और उसके अंदर भी आप लोग को मोनेटाइज करने के लिए यहाँ पे मिल जाता था। बट अभी मोनेटाइजेशन की चीज़ें गूगल ने हटा दी है, बट अभी आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर से आप लोग साइट भी क्रिएट कर सकते हो और आप लोग एक बैकलिंक की तरह उसे काम में लगा सकते हो और आप लोग की साइट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी ला सकते हो। आप लोग गूगल के अंदर जाओगे और उसके अंदर आप लोग सर्च करोगे, गूगल साइट सर्च करोगे, तो जैसे ही सर्च करोगे ये जो फास्ट लिंक आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, सिंपल फास्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगी, तो जैसे ही फास्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगी तो आप लोग के सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को कुछ टेम्पलेट वगैरह देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेम्पलेट गैलरी, यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो भी टेम्पलेट आप लोग को अच्छी लगती है वो टेम्पलेट आप लोग को सिलेक्ट करके आपकी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो गाइज इसका बेनिफिट आप लोग को किया जाएगा, बेनिफिट ये है अगर आप लोग गूगल साइट के अंदर एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, एक पेज क्रिएट कर सकते हो ना, तो आप लोग को मतलब वहाँ से एक अच्छी सोर्स मिलेगी, ट्रैफिक सोर्स मिलेगी, आप लोग को फ्री ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि गूगल के अंदर जो भी आप लोग पोस्ट वगैरह लिखोगी, जो भी आप लोग खुद की जो पोस्ट वगैरह लिखोगे ना, वो बहुत कम समय के अंदर वो रैंक कर जाते हैं। और अगर वो पोस्ट रैंक कर जाता है ना, तो आप लोग उधर क्या कर सकते हो, एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो आप लोग की मेन पोस्ट के अंदर। तो जैसे ही एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो ना, तो उधर से आप लोग को आप लोग की जो मेन वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आने लगेगी और बहुत ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि आप लोग को गूगल साइट से, गूगल से आप लोग को ट्रैफिक आ रहा है और बहुत अच्छी ट्रैफिक आप लोग को मिलने वाला है। तो भाई, जो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक एफिलिएट प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, सारी की सारी कस्टमाइजेशन वगैरह करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग खुद की साइट क्रिएट कर सकते हो, खुद की एक पेज क्रिएट कर सकते हो जिस पेज से आप लोग बैकलिंक वगैरह ले सकते हो, लिंक ऐड करके आप लोग ट्रैफिक वगैरह ले सकते हो। तो आप लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो भी टेम्पलेट आप लोग को अच्छी लगती है ना, वो टेम्पलेट को आप लोग चूज़ करो। तो गाइज, ये टेम्पलेट को मैं चूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपल जो भी टेम्पलेट आप लोग को अच्छी लगती है उसके ऊपर क्लिक करोगी, तो जैसे ही क्लिक करोगी वो जो टेम्पलेट होगा वो ओपन होके आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओके, तो गाइज ये रहा वो प्रोडक्ट, हम लोग इसी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हमारी जो गूगल साइट के अंदर पेस्ट करेंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से लेके इधर ऐड करेंगे। ओके, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपकी जो खुद की इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी खुद की साइट की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये मैं बेसिकली आप लोग को डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग को एफिलिएट मार्केटिंग करना है ना, तो आप लोग इस तरह से जो मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग मतलब ट्रैफिक लेना चाहते हो आप लोग की साइट के अंदर से ना, तो आप लोग खुद की चीज़ें, खुद की प्रोडक्ट को, खुद की आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करके आप लोग एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, जिस लिंक की मदद से आप लोग की साइट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आएगी और आप लोग की साइट भी रैंक बहुत इजीली कर जाएगी बहुत कम समय के अंदर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो पेज है ना उसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, सारी की सारी पेज भी कैसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे मैं आप लोग को भी बताऊँगा। तो पहले हम लोग इसे कस्टमाइज़ कर देते हैं। ओके, तो सिंपली ये रहा टेम्पलेट। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस पेज को कस्टमाइज़ करेंगे। तो
तो कस्टमाइज करने के लिए पहले यहाँ पे हमारे जो नाम नेम को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सिंपल इस नेम को मैंने अभी चेंज कर रहा हूँ आईपैड कवर, और यहाँ पे लोगो आप लोग को देखने को बेसिकली मिल रहा है ना। सिंपल इस लोगो के ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये जो लोगो रहा ना उसे मैंने डिलीट करा। ओके, अगर ये लोगो रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई नहीं। बट अगर आप लोग के पास खुद की लोगो है ना तो सिंपल उसे आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके, सिंपल मैं उसे ऐड करा और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी लोगो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए एक आईपैड की जो इमेज को यहाँ पे मैंने ऐड करी हूँ। ओके, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो प्रोजेक्ट नेम आप लोग को सिंपल यही नेम को यहाँ पे आप लोग रख सकते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम को भी यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कलर की ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को जो भी कलर पसंद आ रही है ना तो सिंपल वो कलर को आप लोग चूज करो। ओके, तो सिंपल ओके ये कलर मैं चूज कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सिंपल उससे भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे भी चेंज कर चुकी हूँ, और अभी हमारे पास रह गया क्या, हमारा जो मेन टाइटल रह गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन रह गया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो ये कवर इमेज को एडिट करना तो कर सकते हो, यहाँ पे चेंज इमेज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अभी जो मैं आईपैड की बारे में यहाँ पे मैं पोस्ट डालने वाला हूँ ना, तो मेरे हिसाब से ये तो ठीक है, तो मैं उसे रखने वाला हूँ। और अभी ये जो एक लाइन रहा है ना, अगर आप लोग चाहते हो उस लाइन को रखना तो इजीली रख सकते हो, नहीं तो आप लोग चाहते हो उसे डिलीट भी करना तो गाइस यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, सिंपल उसे डिलीट कर दो बस। और अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईपैड कवर हम लोगों ने जो रखा था यहाँ पे, ओके स्टैंडर्ड कवर फॉर आईपैड, ओके इसे हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे मैंने थोड़ा उसे मॉडिफाई करा और आईपैड स्टैंडर्ड केस कवर यहाँ पे मैंने ऐड करा। और वही सेम चीज़ अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन फिर से लगाना चाहते हो तो सिंपल उसे कॉपी करके भी यहाँ पे आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। और उसके बाद ना यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आईपैड को ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल एक आईपैड यहाँ पे है, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे टैग के क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग की खुद की वेबसाइट की भी लिंक दे सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो ना प्रोडक्ट की लिंक भी दे सकते हो, जो भी करना चाहो आप लोग कर सकते हो बेसिकली। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अभी इस आईपैड की इन्फॉर्मेशन को लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता रहा हूँ कैसे आप लोग को करना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बट आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जा रहा है। ओके, तो मैं इसे सिलेक्ट करा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो इमेज था आके ऐड हो चुकी है। ये रह गए हमारे हेडिंग, और यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई कवर व्यू को हम लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं बहुत इजीली, यहाँ पे हम लोग लाएंगे और उसे पेस्ट कर देंगे। ओके ओके हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, कोई कवर व्यू भी आप लोग ऐड कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी है। और आप लोग को मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपल एक तो मैंने ये ऐड कर चुकी हूँ और दूसरा ये इसे भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, ओके उसे मैंने कॉपी करा और यहाँ पे उसका जो हेडिंग है ना उसे मैंने पेस्ट करा, सो हेडिंग यहाँ पे हेडिंग करा मैंने, और टाइटल हेडिंग मैंने कर दिया। ओके कंप्लीट, अभी हम लोग क्या करेंगे उसे उसके जो डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप लोग डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। ओके, यहाँ पे अबाउट आइटम कॉपी करा मैंने और यहाँ पे ताकि आप लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग ऐड कर चुके हैं अभी जो है यहाँ पे अबाउट दिस अबाउट आइटम। ओके, तो ये जो अबाउट
दिस आइटम की उसका जो थोड़ी सी लेंथ है हम लोग क्या करते हैं थोड़ी सी घटा देते हैं। ओके ये सही रहेगा। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने ऐड करा हुआ है और चाहो तो ये दो पॉइंट को आप लोग मीट भी कर सकते हो। ओके तो इस तरह से अभी हमारा जो ब्लॉग लग रही है पर हम लोग को ये जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ओके सेवी मीन्स और यहाँ पे आप लोग वही सेम चीज आप लोग रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे अपलोड इमेज और ये रहा हमारा। ओके हम लोग इसका भी इमेज हम लोगों ने ऐड कर चुके हैं और इसी तरह आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो दो इमेज को भी आप लोग ऐड करके दो प्रोडक्ट को भी आप लोग ऐड कर सकते हो। हम लोग फटाफट ऐड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने फटाफट और भी जो दो प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और उसकी जो यहाँ पे हेडिंग उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी सारी चीज़ें ऐड कर चुके हैं। अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका लिंक आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। ओके तो आप लोग कैसे लिंक ऐड करोगे, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लो ये जो रहा तो सिंपल यहाँ पे जाओगी, ये रहा हमारा वो आईपैड, तो सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग की एफिलिएट लिंक को यहाँ पे लाके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमेजोन ने एसोसिएट करके आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर ये बात नहीं आ रही है ना तो आप लोग सिंपल अमेजोन एसोसिएटेड को ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करते हैं अगर आप लोग को पता नहीं है, ताकि वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका एफिलिएट लिंक को आप लोग को लगाना पड़ेगा साइट के अंदर। सिंपल एफिलिएट लिंक को मैंने कॉपी करा और उसके बाद यहाँ पे ये इमेज के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे लिंक के ऑप्शन आ रहा है ना, सिंपल लिंक के ऊपर मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक करा। और यहाँ पे आप लोग को जैसे ही हमें पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे माउस की सिंबल आ जाएगी, क्लिक की सिंबल आ जाएगी बेसिकली। ओके और अगर आप इसके अंदर भी लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे ये लिंक को भी यहाँ पे लगा दो और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो, ये हो जाएगी यहाँ पे लिंक, यहाँ पे आप लोग को बेसिकली देखने को मिल जाएगी, ये लिंक की तरह काम करेगा। ओके तो सिंपल अगर इस चीज़ के बारे में बात करें ना, तो इसी तरह आप लोग इस प्रोडक्ट की लिंक को भी यहाँ पे पहले कॉपी करोगी और उसके बाद यहाँ पे आओगी और इसको सिंपल इस तरह से लिंक यहाँ पे ऐड करोगी और अप्लाई। और अगर इमेज के ऊपर लिंक लगाना चाहते हो तो सिंपल इसी तरह आप लोग को लिंक ऐड करके अप्लाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो बस लिंक ऐड हो गया। ओके तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और कस्टमाइज भी कर चुके हैं, ये रही हमारी जो कंप्लीट पेज। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ें आप लोग लगाना चाहते हो तो यहीं पे आप लोग ऐड करा सकते हो। ओके अगर YouTube वीडियो ऐड करना चाहते हो या मैप ऐड करना चाहते हो या कुछ भी फॉर्म वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप लोग यहीं पर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है जो कि टेक्स्ट एक्शन। ओके ये टेक्स्ट एक्शन के ऊपर आप लोग कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, जो कि जैसे कि है यहाँ पे मतलब विजिट आवर साइट करके भी आप लोग ऐड करा सकते हो। ओके और मतलब जो भी आपकी साइट की लिंक है ना उसे यहाँ पे आप लोग ऐड करा सकते हो। तो गाइस सिंपल मैं यहाँ पे मेरी लिंक को पेस्ट करा और यहाँ पे अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करा और व्यूअर साइट यहाँ पे मैंने लगा चुकी हूँ और बस आप लोग की फोटो क्रेडिट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि सारी सारी डिलीट करा मैंने और एट द रेट कॉपीराइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे एट द रेट कॉपीराइट और हमारी वेबसाइट की लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके हमारी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। ओके और इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके तो सिंपल हम लोग को यहाँ से एक बैकलिंक मिल गया। ओके तो ये नो फॉलो बैकलिंक है एक्चुअली और हम लोग को यहाँ से एक बैकलिंक मिल गया और ये रही हमारी साइट। ओके हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ
तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी को भी ऐड करा, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश की बॉटम दिख रहा है, सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगी। ओके, और यहाँ पे सिंपल कस्टमर यूआरएल आप लोग को दिख रहा था, उसका भी बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग को कस्टमर यूआरएल ऐड कराना है। और यहाँ पे व्यू की ऑप्शन आ रहा है, सिंपल व्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो अभी हमारी जो साइट है कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे आप कंप्लीट साइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आप लोग की साइट की अंदर खुद की प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, खुद की आर्टिकल वगैरह ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सिंपल मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर भी रीडायरेक्ट यहाँ पे हो जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो गाइज इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग की प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, आप लोग की वेबसाइट वगैरह पोस्ट वगैरह को ऐड करके आप लोग यहीं से ट्रैफिक ले सकते हो, क्योंकि गूगल साइट के अंदर आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक भी मिल जा रही है, और आप लोग की जो पोस्ट वगैरह बहुत कम समय के अंदर ये भी रैंक कर जा रहा है। ओके, और हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे आप लोग ये जो पेज वगैरह को ऐड करोगे, और कैसे आप लोग और भी चीज़ें आप लोग कस्टमाइज करके आप लोग की साइट को एक अच्छी क्वालिटी लुक दे सकते हो। ओके,